इसको अपने हाथों से जो है जो इसका वोल्टेज का झटका है वो झेल के देखूंगा कि अरे बड़ी जोर का झटका लगा है। और आरसीसी भी आपके सामने है, अभी तक ट्रिप नहीं हुई है। नहीं, यहाँ पे इसमें पानी डाल दिया। अब मैं इसको टच करके देखता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल MS ऑटोमेशन में। आज की जो वीडियो है वो ELCB RCCB उसके ऊपर होने जा रही है। और इस वीडियो में आपको लाइव इसको चेक करके दिखाऊंगा कि ये है जो ELCB या RCCB है, इसको भरने में लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, या फिर ये कोई काम करती भी है या फिर ऐसा जो है ये सब कुछ फेक बताते हैं इसके बारे में कि भाई ये जो स्ट्रोक से हमें बचाती है या नहीं है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इसके बारे में लाइव दिखाऊंगा कि ये जो है स्ट्रोक से हमें बचाती है या नहीं। मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा और लाइव इसको अपने हाथों से जो है जो इसका वोल्टेज का झटका है वो झेल के देखूंगा कि ये जो है ट्रिप होती है या नहीं है, ये किसी को भाई उसके अगर मान लो किसी को शॉक लग रहा है तो उसको बचा सकती है या नहीं बचा सकती। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहे। चलो दोस्तों, अब ये मैं दिखाता हूँ कि भैया कब काम करेगी या कब काम नहीं करेगी, किस कंडीशन में ये वोल्टेज का झटका मारने पर ट्रिप होगी या फिर किस कंडीशन में वोल्टेज का झटका देने पर ये ट्रिप नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, ये है हमारा एक AC लैंप है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी थोड़ी सी वायरिंग है वो वायरिंग कर लेता हूँ। वायरिंग करने के बाद फिर मैं इसको आपको चेक कराऊँगा भाई ये काम करती भी है या फिर वोल्टेज का जो झटका है उस पर ये ट्रिप नहीं भी होती है। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ हम क्या करेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं जो भी है इनपुट साइड कौन सी है और इसकी आउटपुट साइड कौन सी है। ये देखिए दोस्तों, ये 1 है, ये देखिए मैं यहाँ से आपको, ये देखिए जो 1 है ये ऊपर की साइड बना हुआ है और ये न्यूट्रल इस तरफ है और नीचे की तरफ 2 है और ये न्यूट्रल। मीन्स ऊपर की तरफ है वो है इसकी इनपुट और जो आउटपुट की ये है जो नीचे की तरफ बना हुआ 2 और एन, ये है इसके आउटपुट और ये इसका न्यूट्रल रहेगा। हमेशा हमें न्यूट्रल इसमें देना है और यहाँ से हमारा फेज़ आएगा, ठीक है। ये फेज़ ले लिया है, यहाँ से हमने इसमें न्यूट्रल ले लिया है। ये लैंप की वायरिंग हो गई है, इसमें लाइन और न्यूट्रल हमने ले लिया है और ये एक अलग से वायर निकाल ली है जो हम चेक करेंगे कि ये हमें शॉक मारने पर ये ट्रिप हो गई है या फिर नहीं हो रही है। अब ये एक वायर मैं अलग से ले रहा हूँ जो इसके इनपुट में मैं यहाँ से दे दूँगा। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ से इसे इसकी इनपुट दे दिया है। अब इसकी इनपुट को मैं पावर सप्लाई में लगाऊंगा और आपको लाइव चेक कराऊंगा कि ये जो वोल्टेज का झटका मारने पर ट्रिप हो रही है या नहीं हो रही है और किस कंडीशन में ट्रिप होगी और किस कंडीशन में ट्रिप नहीं होगी। दोस्तों, ये आप घर पर बिल्कुल भी ट्राई ना करें क्योंकि ये बहुत जानलेवा हो सकता है, इसे जान भी जा सकती है। मैं किसी की निगरानी में ये सब कर रहा हूँ, तो आप अगर ये मान लो बाई चांस ट्राई करना भी चाहते हैं तो किसी की निगरानी में करें, नहीं तो कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता है। दोस्तों, जो इतना मैंने कर लिया है, अब मैं आपको इसकी जो है सप्लाई देके इसको टेस्ट कराता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अब हम पहले क्या करेंगे, पहले जैसे ये सॉकेट है हम इसमें फेज और न्यूट्रल चेक कर लेंगे। ये इसमें ग्लो नहीं कर रहा है, न्यूट्रल है, ये यहाँ से ग्लो कर रहा है, ये हमारा फेज है। क्योंकि जब ये हमारा RCCB लगेगा वो मीटर के बाद लगेगा, जो हमारा घर में जो मीटर होता है, तो मीटर के बाद से हमें फिर पहले ये चेक करना है कि इसमें फेज़ कौन सा न्यूट्रल कौन सा है और उसी हिसाब से हमें फेज़ और न्यूट्रल फिर हमारे जो RCCB है वो उसमें देना है। अब ये हम इसमें लगा लेंगे। ये मैंने इसमें लगा दिया है और यहाँ से ये देख लिया,
ये न्यूट्रल है, हमारा ये फेस है, और ये हमारा जो इंडिकेटर है वो ग्लो हो चुका है। अब ये जो है इसमें हमारा वोल्टेज 220 वोल्ट की है, ये मैं एक चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए जो हमारा ये ग्लो कर रहा टेस्ट है। अब मैं इसको आपको छू कर दिखाऊंगा भाई, ये जो RCCB है हमारी ट्रिप होती है या नहीं है, ठीक है। उससे पहले मैं अपने ये जो फ़ोन का जो कैमरा है उसको सेट कर देता हूँ। ये मैंने अपने फ़ोन का कैमरा सेट कर दिया है। अब यहाँ से मैं पहले तो एक बार अपनी जो चप्पल है उनको पहन लेता हूँ, उनको पहन के इसको टच करूँगा, उसके बाद फिर चप्पल को उतार कर। अब ये देखिए मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए ग्लो कर रहा है, ये देखिए ये वोल्टेज है इसमें, और ये हमारी RCCB है। ये फिर से देख लिए, ये हमारा ग्लो कर रहा है। अब मैं इसको वहाँ से टच करके देखता हूँ ये गिरता है नहीं, बिल्कुल हल्का सा टच करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको पकड़ के रखूँगा तो मेरी जान भी जा सकती है। मैं आपको बस टच करके दिखाऊँगा ट्रिप हो लिया। ये देखिए दोस्तों, मैंने अभी चप्पल पहन रखी है तो मुझे शौक लग ही नहीं रहा है, ठीक है। ये देखिए ये चप्पल पहन रखी थी, अब मैं इनको उतार देता हूँ, ये मेरे पैर भी यहाँ पे आ गए। अब मैं इसको टच करूँगा, अरे बड़ी ज़ोर का झटका लगा है, और RCCB आपके सामने है, अभी तक ट्रिप नहीं हुई है, इतना ज़ोर का झटका झेला है। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने झटका झेला है वो 30 mA से बिलो है, अभी 30 mA से नीचे का झटका मैंने झेला है तभी हमारी RCCB ट्रिप नहीं हुई है। और 30 mA से नीचे का झटका भी, इतना तेज का झटका लगा है मुझे, बस पूछो मत। मैंने बिल्कुल हल्का सा टच करके हटा लिया था, अब मेरा दोबारा इसको टच करने का मन नहीं कर रहा है। फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा से टच करके दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन। फिर लगा झटका और ये ट्रिप नहीं हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अभी ज़मीन सूखी है तो मैं क्या करूँगा, अपने नीचे थोड़ा सा पानी डाल लूँगा, हो सकता है ये ट्रिप कर जाए। ये देख लिए मैं एक बार, ये हल्का सा पानी डाल लेता हूँ यहाँ पे, फिर उस पर खड़ा होके फिर इसको टच करके देखूँगा। जी मैंने यहाँ पे इसमें पानी डाल दिया है, अब मैं इसको टच करके देखता हूँ अभी ट्रिप हो रही है या नहीं। अभी टच नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, अब हुआ टच, ये अभी भी ट्रिप नहीं हुई है। मीन्स अभी जो मैं झटके झेल रहा हूँ वो 30 mA से नीचे के झटके हैं, इसी वजह से ये ट्रिप नहीं कर रही है, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से देखिए डायरेक्ट धरती में लगा रहा हूँ, अब भी ये ट्रिप नहीं कर रही है। और इसमें से देखिए दोस्तों हल्की सी, जैसे मैं लगा रहा हूँ ये स्पार्किंग उठ रही है इसमें से, आप पता नहीं देख पा रहे या नहीं, तो मतलब क्या है, जो अर्थ की जो लीकेज हो रही है वो 30 mA से नीचे की है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको डायरेक्ट जो हमने पानी गिरा हुआ था वहाँ पर मैं इसको टच करूँगा, और फिर देखते हैं ये ट्रिप होती है या नहीं। ये भी सूखे में है और यहाँ से ये गिले में, अभी ये देखिए दोस्तों ये गिले में जाके RCCB हमारी ट्रिप हो चुकी है। ये मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, जहाँ पे थोड़ा सा जब पानी ज़्यादा है वहाँ पे जाके ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा पानी गिरा हुआ है तो यहाँ पे जाके ट्रिप हो चुकी है। मीन्स अब क्या है इसका मतलब, ये जो हमारा
लीकेज हो रहा है इसमें, 30 मिली एम्पियर से अबोव का लीकेज हो रहा है, तब ये जाके ट्रिप कर रही है। ये देखिए जैसे मैंने लगाया, अब जो इसकी लीकेज है 30 मिली एम्पियर से ऊपर जा हो गई है, तब ये जाके ट्रिप कर रही है। मेन चीज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम जो अपनी बॉडी का झटका मैं अभी झेल रहा था, जैसे मैंने अपना पानी भी गिरा, पानी के ऊपर कदम रख के इसको टच किया, तब ये ट्रिप नहीं हुई, और बगैर जब पानी था उस जब टच किया था तब ये ट्रिप नहीं हुई थी। मीन्स क्या हुआ, जो मैं इसमें जो इसका झटका झेल रहा हूँ वो 30 मिली एम्पियर से नीचे का झटका झेल रहा हूँ, और 220 वोल्ट में 30 मिली एम्पियर से नीचे का भी झटका इतना तेज़ होता है वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने ये झटके यहाँ पे झेले हैं, 3 बार झटके झेले हैं, 2 बार बगैर उसके पानी के ज़मीन पे जो गिरा होता, और 1 बार पानी गिर के जो झटका झेला था वो तो और भी ज़्यादा था। तो मीन्स दोस्तों फिर भी मैं आपको यही कहूँगा कि ये जो चीज़ है हमें अपने घर पे लगानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कई बार, जैसे अभी क्या है मैं इसको टच कर रहा हूँ तो मेरा जो शरीर है वो सूखा हुआ है बिल्कुल, तब ये 30 मिली एम्पियर से नीचे का जो लीकेज है मेरे जो बॉडी के थ्रू होकर जा रही है वो 30 मिली एम्पियर से नीचे की जा रही है। हो सकता है मान लो इन फ्यूचर कभी घर में कोई जैसे गिल्ला हो या नहा के निकला हो तब किसी कूलर को टच कर ले, हो सकता है उसकी बॉडी में करंट हो, या किसी और चीज़ को फ्रीज को टच कर ले उसकी बॉडी में, फ्रीज की बॉडी में करंट हो, कोई गिल्ला पर्सन उसको टच करेगा तो हो सकता है तब ये ट्रिप कर जाए, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी बॉडी से जो इस करंट का जो अर्थ की तरफ जो लीकेज होगा वो 30 मिली एम्पियर से ऊपर होता है, हो सकता है क्योंकि जो हमारी बॉडी गिल्ली होती है तब जो है जो करंट जो वोल्टेज फ्लो करती है वो गिली चीज़ों में से ज़्यादा फ्लो करती है। तो फिर भी यही कहूँगा आपको कि भाई सेफ्टी के पर्पज़ से हमें फिर भी घर पे ये लगानी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे साफ देख सकते हो, मैं एक बार और दिखा देता हूँ, ये जैसे ही यहाँ से ये हमारा इसमें से एक वोल्टेज लीकेज होती है तो ये ट्रिप कर जा रही है। मीन्स इसका मतलब यही हुआ कि ये जो डायरेक्ट इसको लगा रहा हूँ धरती से तो 30 मिली एम्पियर से ऊपर जो है वो लीकेज हो रही है, तभी ये ट्रिप कर रही है। तो मैं तो फिर भी आपको ये कहूँगा कि भाई हमें ये सेफ्टी के हिसाब से अपने घरों में लगाना चाहिए, हो सकता है कभी जो इंसान की बॉडी में से जो करंट है या फिर वोल्टेज है वो 30 करंट जो है वो 30 मिली एम्पियर से ऊपर पास हो जाए, तो उस कंडीशन में तो ये कम से कम गिर जाएगी, क्योंकि जो वोल्टेज का झटका हुआ 30 मिली एम्पियर से ऊपर का वो तो और भी ज़्यादा तेज़ होगा, अभी जो मैं झेल रहा था वो 30 मिली एम्पियर से नीचे थे तब ये ट्रिप नहीं हुई। तो होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, अगर वीडियो में कोई डाउट है और इसके ऊपर कोई सा एक्सपेरिमेंट और है जो मैंने आपको इस वीडियो में नहीं बताया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ आपकी छूट गई है, तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर अलग से एक और वीडियो आपको बनाकर दे सकूँ। ओके थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। बस लास्ट में जाते वक्त फिर भी ये कहूँगा कि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया उसके सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के एक्सपेरिमेंट और अभी आपको इन फ्यूचर में मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।